हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं से रिलेटेड हमने कुछ संक्रियाएं पढ़ी थी, कैसे परिमेय संख्याओं को योग करते हैं यानी जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं एवं कैसे हम उनमें भाग करते हैं। जब दो परिमेय संख्या होती हैं तो उनको कैसे हम जोड़ते हैं, और जब दो किसी एक परिमेय संख्या में से किसी दूसरी परिमेय संख्या को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। तो मैंने आपको संख्या रेखा और साधारण दोनों तरीके से बताया था, परिमेय संख्याओं का योग करना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा करना और परिमेय संख्याओं का भाग करना मैंने कल आपको बता दी थी। आज हम बेटा परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कल भी बताया था कि हम आने वाली वीडियो में परिमेय संख्या के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या के गुणधर्म है तो उनमें से पहला गुणधर्म है बेटा संवृत गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है? संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हम योग के लिए पढ़ते हैं संवृत गुणधर्म। इसमें क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग भी क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या ही आना चाहिए। जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग भी परिमेय संख्या आए, वही क्या है हमारा संवृत गुणधर्म है। किसके लिए? योग के लिए। जैसे मैं उदाहरण ले लूं, जैसे मैं उदाहरण ले लूं, 3/4 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे हम 5/3 के साथ। किसके साथ? 5/3 के साथ। तो कैसे जोड़ेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा हमारा, लासापा 12 आएगा। लासापा लेना क्या है, लासापा के लिए मैंने बताया था जो जितने भी आपके हर हैं उन हर से हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐसा निकालेंगे जिसमें उन हरों का भाग चला जाए, लेकिन वो नंबर ऐसा होगा वो छोटे से छोटा नंबर। तो देखो 4 और 3 में सबसे पहले तो यहाँ हर क्या है, 4 और यहाँ हर है 3। तो 4 और 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। पहले तो 4 को ही देखेंगे कि 4 में 4 का तो भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है। अब क्या करेंगे, 4 के गुणांक, 4 का गुणांक कौन सा आएगा, जो 4 के बाड़े में आएगा यानी 4 की टेबल में आएगा। अब 4 की टेबल में कौन सा आएगा, 4 की टेबल में अगला आएगा 8। अब 8 में देखेंगे 4 का भाग तो जाएगा क्योंकि वो तो 4 का ही गुणांक है लेकिन 3 का नहीं जाएगा। तो अगला गुणांक कौन सा आएगा 4 का, तो वो है 12। अब 12 में 4 का तो जाएगा क्यों, 4 का गुणांक है 12 और 3 का भी जाएगा। तो ये क्या हो गया, वो छोटे से छोटा नंबर हो गया जिसमें 4 और 3 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया 3 से। तो यहाँ कितना आ गया, 9+ और ये कितना हो जाएगा, 4 5 20। 3 से भाग गया 12 में 4 बार और 4 का गुणा कर दिया मैंने अंश के साथ, 4 5 20। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 29/20। अब हमने क्या देखा, ये जो आंसर आया वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और हमारा योग का नियम भी क्या कह रहा है, संवृत गुणधर्म के लिए योग का नियम भी यही कह रहा है कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो हमें आंसर में क्या मिल जाए, परिमेय संख्या मिल जाए। तो वो क्या है, योग के लिए संवृत गुणधर्म होता है। कौन सा गुणधर्म होता है, संवृत गुणधर्म होता है। अब क्या करेंगे, अब घटाव के लिए चेक करेंगे इसी को। किसके लिए चेक करेंगे, घटाव के लिए। अब देखो साहब, घटाव के लिए कैसे करेंगे, घटाव और घटाव का मैंने द्वितीय नाम आपको कल बताया था व्यवकलन। क्या बताया था, व्यवकलन। क्या कह सकते हैं इसको, व्यवकलन भी कह सकते हैं। अब क्या है, जब परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाया जाए तो क्या करें, क्या आंसर आए, परिमेय संख्या ही आए तो वो संवृत गुणधर्म होगा घटाव के लिए, नहीं तो नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे 5/7 - 3/8, फिर क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम क्या आएगा, 7 और 8 का, 7 और 8 का लघुत्तम 56। क्या आएगा, 56।
देखो सात का भी भाग जाएगा और आठ का भी जाएगा, 56 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है। आठ के गुणांक में मैंने कहा सबसे ज्यादा हर कौन सा है, सबसे बड़ा हर कौन सा है, आठ। आठ का गुणांक देखेंगे, आठ के गुणांकों में 56 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें सात का भाग चला जाए। तो यहां से क्या आ जाएगा 40, और यहां से क्या आ गया 21। 40 माइनस के 21 करेंगे तो आपका क्या आएगा 19, और 19 बटी क्या हो गई 56, और ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। तो ये देखो संवृत गुणधर्म किसके लिए यूज हो गया? घटाव के लिए भी हमारा उपयोग में आ गया, ठीक है। तो घटाव के लिए संवृत गुणधर्म का ये उपयोग होता है। अगला देखेंगे बेटा घटाव के अलावा हम किसमें? गुणा में। योग के लिए हो गया, घटाव के लिए हो गया, अब किसके लिए देखेंगे? गुणा के लिए। अब गुणा के लिए देखेंगे, आइए गुणन। यहां भी कोई जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो क्या आ जाए? परिमेय संख्या ही आ जाए गुणा। गुणा करने पर जब दो परिमेय, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए और जो उत्तर मिले हमें वो भी क्या मिले? परिमेय संख्या ही मिले, तो वो कौन सी संक्रिया हो जाएगी? समृद्ध गुणधर्म का गुणन के लिए संक्रिया बन जाएगी, या समृद्ध गुणधर्म होगा किसके लिए? गुणा के लिए। तो देखेंगे जैसे कोई भी ले लो 4/7 गुणा 3/7, चलो 4/5 कर दो, गुणा कर दो, 4 × 3 = 12 और 7/35। 12/35 क्या है? एक परिमेय संख्या है। सर आप तो प्लस प्लस के करा रहे हो, माइनस का तो एक भी नहीं कराया। ये लो माइनस का ले लो, −3/5 गुणा 4/7, देखो वो ही आएगा −12/35। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये गुणा के लिए भी हमारा संवर्त गुणधर्म उपयोग में आता है। अब अगला करेंगे भाग। क्या है? भाग। अब अगली है भाग। हमने योग देख लिया, घटाव देख लिया, गुणन देख लिया, अब किसके लिए बेटा? अगला भाग के लिए। तो संवृत गुणधर्म गुणा योग घटाव गुणन एवं भाग देखते हैं। अब योग पे तो हो गया, घटाव पे हो गया, गुणन पे हो गया, अब भाग पर देखते हैं। भाग का मतलब वो क्या है? जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर परिमेय संख्या आए तो ये संवृत गुणधर्म है, नहीं आए तो नहीं है। तो देखो 2/3 में सपोज ये 2/3 ये गुणन क्या है? परिमेय संख्या है, उसमें भाग दे रहा हूं मैं 3/4 से। किससे भाग दे रहा हूं? 3/4 से। मैंने क्या बताया था भाग देने के लिए? 2/3 भाग को हटाओ, गुणा लगाओ, और अगली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उसके हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। तो हर क्या है? 4, 4 को क्या बना दिया? अंश, और अंश क्या है? 3, उसको क्या बना दिया? हर। गुणा कर दो क्या आ जाएगा? 8/9, और 8/9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने देखा संवृत गुणधर्म अगला देखते हैं बेटा, ये हो गया। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, 0 में भाग दिया 2 का, तो क्या हो जाएगा? 0/2 कितनी बार गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या बन जाए, क्योंकि 0/1 भी लगा सकते हैं। अब कंडीशन ऐसी आ जाए कि 5 में भाग दो किससे? 0 से। 5 में भाग दो 0 से, तो इसका क्या बन जाएगा? 5 गुणा इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 1 लगा हुआ है, 1 को तो कहां ले जाओ? अंश में, और ऊपर वाले अंश को कहां ले आओ? हर में।
तो क्या आ गया 5/0, और 5/0 का क्या मतलब है? तो ये क्या हो गए भाई, यहाँ तो पता ही नहीं चला कौन सी संख्या आई, परिमेय संख्या आई या कौन सी आई। तो ये क्या है, परिमेय संख्या का संवृत गुणधर्म किसके लिए नहीं होगा? भाग के लिए नहीं होगा, ये भाग पर यूज नहीं होगा। ये किस किस पर यूज हुआ? योग, घटाव और गुणा। किस किस पर लगा? योग, जोड़ना, घटाना और गुणन पर, भाग के लिए नहीं है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये समवृत्त गुणधर्म हो गया, अब देखेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है? पहले देखते हैं बेटा योग के लिए, किसके लिए? योग के लिए वही प्रक्रिया, योग, घटाव, गुणा, भाग। योग के लिए क्या होता है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, जैसे परिमेय संख्या कौन सी जोड़ दी मैंने, 2/3 प्लस 4/7 को जोड़ू और उसका योग बराबर आए 4/7 प्लस 2/3। इसको अगर मैं अल्फाबेट में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी ऐसे जोड़ा और बाद में इसको किसके बराबर कर दिया, इसके उल्टे के बराबर कर दिया। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से भी एलसीएम कितना आया 21 और यहां से भी कितना आ गया 21। यहां से देखेंगे तो 14 + 8 और यहां से क्या आ गया 8 + 14, ये क्या हो गया 7 + 21, 7 × 14 और 7 + 21 और 3 × 12, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 26/21 बराबर 26/21 है। प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था मैं कि हमारे लिए तो जब हम क्या करें, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग करें, पहले a प्लस बी किया और बाद में b प्लस a करें तो दोनों बराबर आ जाए तो वो योग की संक्रिया होगा, योग गुणधर्म बनेगा। किसके लिए? क्रम विनिमय के लिए, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कौन करता है? योग तो करता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला? क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग योग के लिए तो होगा। अब देखते हैं किसके लिए, व्यवकलन घटाव के लिए। अब क्रम विनिमय आपने देख लिया, क्रम विनिमय है क्या, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर घटाव की बात करूंगा तो घटाव में क्या हो जाएगा, यहाँ घटाव में चिन्ह बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस के लिए जैसे अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन सा लिया, 2/5 माइनस 2/5, ए की जगह तो क्या ले लिया 2/5 माइनस 5/7 माइनस 5/7 या 4/7 कुछ भी ले लो बराबर। अब क्या करूंगा, बी में से ए को घटाऊंगा 4/7 माइनस 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 35, लासा पर क्या आया 35, 7 × 14 माइनस 5 × 20, यहां देखो 35 ये हो गया 20 ये हो गया 14, यहां से आंसर क्या आया, ये तो आया माइनस के 6/35 और ये क्या आएगा 6/35। अब बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है, क्यों? एक तो माइनस की है और एक प्लस की है, तो ये माइनस प्लस का भी बराबर होंगे नहीं होंगे, तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय गुणधर्म घटाव के लिए उपयोग में नहीं होगा, घटाव की पालना नहीं करता है। क्रम विनिमय गुणधर्म घटाव में परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, इसका मतलब क्या है, घटाव के लिए नहीं है क्रम विनिमय गुणधर्म।
अगला क्या होगा? गुणन। क्या है? गुणन। अब गुणा में क्या होगा? गुणा में भी देखो बेटा, गुणा में क्या हो जाएगा? माइनस की जगह गुणा लगा दो। किसका चिन्ह लगा दो? गुणा का। ये लो गुणन के लिए। ऐसे भाग के लिए किसका लगा देंगे? भाग का। योग के लिए योग का लगाते हैं। तो यहां से आप क्या देखेंगे गुणन में? जैसे माइनस चार एक ही जगह, तो क्या ले लिया? माइनस चार बटे सात गुणा तीन बटे सात, माइनस चार बटे पांच गुणा तीन बटे सात। अब क्या करूंगा? तीन बटे सात गुणा माइनस के चार बटे पांच गुणा करूं, माइनस बारह बटे पैंतीस। यहां भी क्या आएगा? माइनस बारह बटे पैंतीस। देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये गुणन के लिए क्रम बनवीय गुणधर्म है। क्या है? गुणन के लिए क्रम बनवीय गुणधर्म है। अगला क्या है? भाग। भाग मैं टेबल से और बता दूंगा मैंने, आपको चाहो तो जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी। भाग के लिए देखो, भाग के लिए गुणधर्म क्या कहता है? जब एक परिमेय संख्या, यानी अब क्या लगा देंगे? ए में तो भाग दिया बी का, और ये बराबर होना चाहिए बी में भाग देने पर ए की, ये होना चाहिए तो बराबर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे? ए के स्थान पे तो कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं सात बटे तीन, और बी के स्थान पे ले लेते हैं पंद्रह बटे चौदह बटे पांच। भाग दो, सात बटे तीन भाग चौदह बटे पांच बराबर चौदह बटे पांच भाग सात बटे तीन। मैंने क्या बताया था? भाग हटा दो और अंश को हर और हर को अंश बना दो, गुणा लगा दो भाग को हटा के, पांच बटे चौदह, और ये हो जाएगा चौदह बटे पांच गुणा तीन बटे सात। तो देखो सात दो ना चौदह, और यहाँ कुछ कटना नहीं कटना, तो यहाँ क्या आ गया? पैंतीस बटे बयालीस, और यहाँ क्या आ जाएगा? छह बटे पांच। क्या बराबर है ये? तो बराबर नहीं है, तो क्या आ गया? इज नॉट इक्वल। क्या आ गया? इज नॉट इक्वल। तो हमने क्या सीखा? क्रम बिन्वीय गुणधर्म भाग की संक्रिया में यू उपयोग में नहीं है, तो भाग के लिए क्रम बिन्वीय गुणधर्म का उपयोग नहीं होता है। अब हमने आज समवृत्त गुणधर्म पढ़ा और क्रम बिन्वीय नियम गुणधर्म पढ़ा। अब पढ़ेंगे बेटा हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा हम साचर गुणधर्म, साचर गुणधर्म के अलावा वितरक गुणधर्म और योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। ठीक है बेटा, इन आज के लिए इतना ही। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ेंगे एक तो साचर गुणधर्म, वितरक गुणधर्म, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। तो यहां तक आपको क्या करना है बेटा? वीडियो देखनी है, और वीडियो देख के इसको दोहराएं और अपनी रफ कॉपी में इसको लिखें, जिससे ये आपके समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, सो धन्यवाद।